आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी के अंदर बहुत सारे अनुभव देखने को मिलते हैं। कालिदास भी अपना एक अनुभव लिखते हैं कि किसी कार्य में देर न होना भावी कार्य की सिद्धि का चिन्ह है। यानी ऐसा होता है कि कोई काम हमने शुरू किया, वो तेजी के साथ होता चला जाता है और फ्यूचर में जाकर के पूरा हो जाता है। इसी बात को कालिदास लिख रहे हैं कि अगर देर नहीं हो रही है, कोई काम शुरू किया गया तो फ्यूचर में जाकर के वो पूरा हो जाएगा, इसका चिन्ह है, क्योंकि रुकावट नहीं आ रही है, काम हो रहा है। तो अगर इसी बात को निगेटिव कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए कि किसी कार्य में देर का होना भावी कार्य की सिद्धि के ना होने का चिन्ह है, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी काम के अंदर मान लिया हमने उसको शुरू किया और रुकावट हो गई और वो काम नहीं हुआ। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है जो समाज में दिखाई भी पड़ता है कि किसी काम में रुकावट आ गई, शुरू हुआ, रुकावट आ गई, लेकिन आगे जाकर वो काम पूरा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी काम के रुक जाने में दो प्रकार की संभावनाएं हैं, या तो वो काम आगे जाकर के हो जाएगा, रुकावट आई लेकिन हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो रुकावट आई लेकिन वो काम बिगड़ता ही चला गया, वो रुक गया वो काम। तो कैसे हम जानेंगे कि किसी काम में अगर कोई रुकावट आ गई तो वो होगा कि नहीं होगा, हम कैसे जाने? ये बात तो पॉजिटिविटी की है, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है कि किसी कार्य में देर ना होना भावी कार्य की सिद्धि का चिन्ह है। ये तो कालिदास जी ने अपने रघुवंश के 10वें सर्ग के 6वें श्लोक में ये बात दे दिया है। उन्होंने ये लिख दिया है ही अव्याक्षेपा भविष्यंता कार्य सिद्धे लक्षणम। अव्याक्षेप माने बाधा होती है, अव्याक्षेप माने बाधा रहित हो जाना होता है। तो अब अगर मान लिया किसी काम के अंदर बाधा आ गई, रुकावट आ गई, तो होगा कि नहीं होगा, हमको कैसे पता लगेगा? तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा, ऐसे हम समझ ले जैसे किसी जंगल के अंदर मान लिए बहुत ज्यादा शेर हैं और हम उस जंगल से जा रहे हैं, तो खतरा ज्यादा है, यानी मारे जाने की संभावनाएं बहुत हो जाएंगी, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे शेर हैं। और अगर मान लिए उस जंगल में एक ही दो शेर हैं, जंगल बहुत बड़ा है, तो आसानी के साथ निकल जाने की संभावना ज्यादा है। खतरा वहां भी है लेकिन संभावनाएं ज्यादा हैं। तो कहने का अर्थ है कि मान लिए शादी की बात चली, अब शादी की बात चली लेकिन उसमें जाकर कुछ समय बाद रुकावट आ गई। अब उसमें कारण कुछ भी हो सकते हैं लेकिन रुकावट आ गई, तो अब इसमें दो पक्ष हो जाएंगे, एक लड़की वालों की तरफ का पक्ष है, लड़के वालों की तरफ का पक्ष है, उसमें बहुत सारे वहां के खानदान के लोग हैं, इधर भी बहुत सारे खानदान के लोग हैं, तो वो काम होगा कि नहीं होगा? वो जो रुकावट आई है, शादी की बात चली, रुकावट आ गई, तो अब वो रुकावट दूर होगी कि नहीं होगी? तो इसमें लोगों की अपनी भूमिकाएं भी हो जाएंगी जो पीछे लोग निभाते हैं। बातचीत जो तरह तरह की होती है तो उसका रोल बहुत प्ले होता है कि कितने पॉजिटिव लोग हैं और कितने निगेटिव लोग हैं। अगर पॉजिटिविटी ज्यादा है तो ऐसे समझ लें कि ज्यादा का मतलब यह है कि अगर पॉजिटिव लोग ज्यादा है तो काम के होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पक्ष में ज्यादा लोग हैं तो माहौल बन जा सकता है आगे जाकर के, कुछ वजह के लिए मान ली रुकावट आ गई। लेकिन अगर निगेटिव लोग ज्यादा होते चले जाएंगे तो उस काम के फिर ना होने की संभावना होगी। लेकिन यहाँ पे अपवाद दोनों तरफ रहेगा, पॉजिटिव लोग बहुत ज्यादा है लेकिन कोई एक इंसान इतना निगेटिव हो गया, कुछ ऐसी भूमिका निभा दिया कि वो काम रुक जाता है, और इधर भी हो सकता है ऐसे कि निगेटिव बहुत ज्यादा है लेकिन किसी एक इंसान के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाने से वो काम हो जाता है। तो दोनों प्रकार की संभावनाएं रहती हैं। होता ये है कि जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो लोग फिर उसको ईश्वर पर थोपने लगते हैं। अब रुकावट आ गई तो कहते हैं कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई ईश्वर की इच्छा होगी जिसकी वजह से रुक गया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मैटर है, वरना ये रुकता नहीं, हो जाता है, रुकावट है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी भलाई के लिए काम हो रहा है। तो इस तरह की बातें की जाती हैं जबकि लोग ये जानते ही नहीं कि ईश्वर की क्या मर्जी है, हम कैसे बता सकते हैं कि क्या इच्छा है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा क्या है ये कैसे जानेंगे हम? कोई ईश्वर से सीधे हमारा कोई तालमेल तो साक्षात तो है नहीं जिसको हम जान रहे हैं। तो जब हम किसी चीज को जानते नहीं तो हमें जो है वो इस तरह के वक्तव्य नहीं देने चाहिए, इससे निगेटिविटी और फैलती चली जाती है ना। तो इसलिए जरूरी है कि हम संसार में रह रहे हैं तो संसार के अंदर हमें उन सारे कारकों पर, फैक्टर्स पर विचार करना चाहिए जिसके वजह से किसी काम में रुकावट आ गई है, अगर उसको दूर कर दिया जाए तो काम हो जाता है। तो अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करने की जरूरत है, ना कि हम ईश्वर के आधार पर अपने को खुद निगेटिव बना लें या किसी के बारे में कोई राय देने लगे कि वो ऐसे लोग थे जिसके वजह से जो है रुकावट आ गई है, कहीं ना कहीं आपका भला हो रहा है, इस वजह से वो लोग सही नहीं है। इस तरह की बातें की जाती है, कुछ लक्षणों के आधार पर किसी के बारे में कोई अनुमान लगा लिया जाता है। लेकिन होता यह है कि जो हमारे बहुत ज्यादा सगे होते हैं, साथी होते हैं, तो कभी जिंदगी के अंदर ऐसे मामलात आते हैं कि जिनसे हमारे मामलात सही नहीं होते हैं, वो हमारे साथ बहुत अच्छी अपनी उनकी एक रोल प्ले कर देते हैं मुसीबत के समय में, और जो अपने होते हैं वो साथ छोड़ देते हैं। इस तरह के अनुभव समाज के अंदर आते रहते हैं कि
किसी इंसान के बारे में सही उसका इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। कौन कैसा है, क्योंकि सारे मामला दिल के हैं। बुराई और अच्छाई का मिश्रण तो इस पूरे संसार के अंदर दिखाई ही पड़ता है। बुराई तो इंसान की इंद्रियों में रखी ही गई है, अच्छाई भी रखी गई है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें ही संसार में है, सकारात्मकता भी है, नकारात्मकता भी। इसी आधार पर संसार चल रहा है। लोगों को अच्छाई के तरफ जाने के लिए आदेश भी आते रहते हैं, धार्मिक संदेश भी रहते हैं कि अच्छाई का पालन करना चाहिए। अब कौन कितना चलता है, कौन कितना पॉजिटिव बना लेता है, वही सोसाइटी के अंदर एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसी के बारे में कोई राय बना लेना सही नहीं है। इसलिए कि जब तक हमारे कोई मामलात ना हो, लंबे समय तक हम मिल न रहे हों, जानते न हों, हर इंसान का अपना नेचर होता है, एक परिवार का इतिहास होता है, तो कौन कैसा है इसकी रियलिटी बहुत रिलेशन बनने के बाद ही समझ में आती है, हम कोई एक मूल्यांकन कर सकते हैं। सतही आधार पर किसी, हम मान लिए कि कोई बैड चीज हमको नजर आई, उसके आधार पर किसी इंसान के बारे में कोई फैसला नहीं किया सकता है, क्योंकि इस समाज के अंदर बड़ी विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो एक अनुभव था कालिदास का जिन्होंने लिखा था, तो ये तो एक पॉजिटिव बात है और ये होता ही है, कोई काम शुरू होता है और पूरा हो जाता है। लेकिन नहीं होने के पीछे हमें निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता हो कि हमारे अंदर क्वालिटी ना हो, जिसके वजह से कोई टास्क हमने लिया वो काम हमारा नहीं हो रहा है। अगर हम कोई क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं इन दौरान, तो हम उस काम को हो सकता हो कर भी सकते हैं। तो इस तरीके से अपवाद की सत्ता बहुत रहती है, तो निराशा में नहीं जाना चाहिए, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही जिंदगी को जीना चाहिए। हम जितना पॉजिटिव होंगे, हमारी लाइफ में तनाव टेंशन की जो एक कह सकते हैं भूमिका होती है, उतनी कम होती चली जाएगी। और ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किस अंदाज से सोचते हैं। तो इसलिए बहुत कुछ डोर जो है हमारी होती है, हमारी सोचने के अंदाज पर निर्भर करती है। हम पॉजिटिव रहेंगे तो सारी चीजें फिर सकारात्मक होती चली जाती हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।